हेलो दोस्तों, आप सभी को राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यात्री मोटर ने अपनी पहली दो इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किया है, P0 और P1। इस बाइक से जुड़े सारे अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, P0 यहां पे जो नाम है इन्होंने दिया है, P0 और P1, इसका नाम इन्होंने दिया है प्रोजेक्टर 0 एंड दूसरा P1 का प्रोजेक्टर 1। पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यात्री मोटर कहाँ की ब्रांड है और इन्होंने कब से इस बाइक को बनाना स्टार्ट किया। यात्री मोटर नेपाल की ब्रांड है जो नेपाल में ही मैन्युफैक्चरिंग करती है इस बाइक को, और नेपाल में ही इस बाइक को लॉन्च किया गया है। इन्होंने 3.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2021 में इस बाइक को लॉन्च किया है नेपाल में। यात्री मोटरसाइकिल ने इन दोनों बाइकों को P0 और P1 को 2020 में लॉन्च करने वाली थी, बट कोविड के वजह से इन्होंने इसको डिले कर दिया। बट इसी टाइम इनको एक अच्छा खासा मौका मिल गया इस बाइक पर और भी अच्छी तरीके से काम करने का, और फिर इन्होंने इस पर काफ़ी सारे चीज़ों को चेंज किया, इस बाइक को शार्प लुक दे दिया। प्रोजेक्टर 0 कहीं ना कहीं हस्कवाना बिप्लिन सीरीज से इंस्पायर्ड है। प्रोजेक्टर 0 में आप सिंगल चार्ज में 230 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, और ये 0 to 60 2.5 सेकंड में पकड़ लेती है, और इसको फुल चार्ज होने में 2 घंटे का टाइम लगता है। इस बाइक में आपको 64 HP की पावर और 650 Nm का टॉर्क मिल जाता है। वहीं अगर P1 की बात करें तो इसमें आपको 19 HP का पावर और 430 Nm का टॉर्क मिलता है, और इसको सिंगल चार्ज में आप 110 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं इस बाइक से। P1 को फुल चार्ज होने में 3 घंटे का टाइम लगता है, बट अगर आप यात्री मोटर के पावर एडेप्टर से इसको चार्ज करेंगे तो ये सिर्फ 1 घंटे में ही फुल चार्ज हो जाती है। दोस्तों, आपको और हमको कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करना होगा कि बहुत जल्द मैक्सिमम जगह इलेक्ट्रिक बाइक या कार सड़कों पर चलती दिखेगी, क्योंकि अभी पेट्रोल के दाम काफ़ी हाई हो रहे हैं, और पेट्रोल वाले व्हीकल के साथ साथ अभी सारी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी रुख कर रही है। P0 में 48 kW की इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, और साथ ही इसमें आपको 7 इंचज़ की TFT कंसोल वाला डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, और इसमें 4G कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, नेविगेशन की स्टार्ट OTA ओवर द एयर अपडेट की फैसिलिटी दी गई है। इसका जो टॉप स्पीड है वो 140 किलोमीटर पर आवर तक का है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में 43mm का एडजस्टेबल USD फोक सस्पेंशन दिया गया, रियर में RC एडजस्टेबल नाइट्रोजन चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में ब्रिम्बो 2 पिस्टन दिया गया, और डिस्क का जो साइज है वो 320mm डिस्क का साइज दिया गया। रियर में ब्रिम्बो का 1 पिस्टन दिया गया, और ब्रेक का साइज 240mm दिया गया। तो अगर ब्रेकिंग और सस्पेंशन की बात करें तो काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम और सस्पेंशन इस बाइक में आपको देखने को मिल रहा है। टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में 110x70 सेक्शन के टायर देखने को मिल रहा है, रियर में 150x60 सेक्शन के टायर देखने को मिल रहा है। लुक की बात करें तो ये काफ़ी एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन और इसका लुक दिया गया है। इसमें फ्रंट में आपको सर्कुलर LED हेडलैम्प देखने को मिल रहा है। टेल लैम्प को काफ़ी यूनिक बनाया गया है, इसमें चार्जिंग स्टेटस पता चलता है, और इसमें ऑटो ऑफ इंडिकेटर की भी सुविधा से लेस है ये बाइक। P0 का वेट 190 kg दिया गया है, ग्राउंड क्लियरेंस 175mm है, सीट हाइट 800mm है, व्हील बेस 1400mm है। वहीं अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो नेपाल में इसका प्राइस 1945000 है, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 12 लाख तक की हो। कंपनी की माने तो ये उनकी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है, आने वाले टाइम में इससे काफी किफायती दाम में भी वो बाइक बनाने वाली है। वहीं अगर P1 की बात करें तो इसमें 100 किलोमीटर पर आवर तक का आपको स्पीड मिल जाएगा, और इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 270mm दिया गया है। और वहीं अगर इसके प्राइस की बात करें तो नेपाल में इसका प्राइस 49500 है, जो कि इंडियन रुपीज में 3,10,000 तक की होती है। और मैंने इस कंपनी को मेल भी किया था कि क्या इनका इंडिया में बनाने का कुछ प्लान है, लॉन्च करने का कुछ प्लान है, तो इन्होंने अभी तक वो मेल वापस नहीं किया है। बट मैंने जब इसको इंटरनेट पर सर्च किया तो अभी दूर दूर तक कहीं इसका इंडिया में लॉन्च होने का भी प्लान नहीं है, क्योंकि ये अभी नेपाल में ही काफ़ी इस बाइक को काफ़ी जगह फैलाने वाले हैं, काफ़ी शोरूम अभी खोलने वाले हैं। तो इंडिया में इस बाइक का अभी उम्मीद करना 2 से 3 साल बेकार ही है, ये 2 से 3 साल के बाद ही लॉन्च हो सकती है शायद ही। अभी इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, जैसे ही अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ऐसे ही बाइक रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है मेरा राइड विद बाइक रजत, आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा। कंपनी इन दोनों बाइकों का डेमो टेस्ट भी नेपाल में करवा रही है, और अगर इसको कोई भी खरीदना चाहता है तो ये ऑनलाइन उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बुक कर सकते हैं, बट ये नेपाल में ही बुक कर सकते हैं और नेपाल वाले लोग ही इसको खरीद सकते हैं। अगर आप इंडिया से बुक करेंगे तो ना आप टेस्ट राइड कर सकते हैं और ना ही आप इसको इंडिया में मंगवा सकते हैं। तो ये नेपाल में वाले जो लोग हैं वहाँ से ये आप ऑनलाइन इसको बुक कर सकते हैं, वहाँ से टेस्ट राइड कर सकते हैं। उस ऑफिशियल जो लिंक है उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।
We'll be right back.